मैं किशन सारीवान आप सबको स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीकुंडी में, और रानीकुंडी में बहुत ही अच्छा अच्छा जो मूर्तियाँ हैं वो तैयार किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं बाज़ार के जस्ट बगल से ही गुजर रहा था, वहीं पे ही ये मूर्तियाँ जो हैं वो तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस जगह को मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ और पूछते हैं कि यहाँ का जो सबसे कम प्राइस वाला मूर्ति कौन सा है और कितने का है और सबसे हाईएस्ट प्राइस का कौन सा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों इस नवरात्रि यदि आप माता जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ अपने घर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस जगह का नाम है दानीकुंडी, और दानीकुंडी में लगभग 10 से 12 साल से यहाँ पे मूर्तियाँ जो है तैयार की जाती है। और यहाँ पे मूर्तिकार हैं जितेंद्र भैया और कमल प्रजापति भैया, यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे मूर्तियाँ जो है वो तैयार की जाती है, और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपका सीधा है दानीकुंडी ही आना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर सीधे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सीधे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारी जो मूर्तियाँ हैं वो बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ 5 ही मूर्तियाँ हैं जो बची हुई हैं। यदि आप इस जगह की मूर्ति बुकिंग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। तो भाई यहाँ जो मूर्ति तैयार किया गया ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, और सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति बनता है ना वो आपको यहाँ पे आसपास में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मरवाही क्षेत्र में दो ही जगह ऐसा है जो कि दानीकुंडी में भी है, और दोनों जगह में बहुत ही अच्छा अच्छा मूर्ति बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे तो देखिए यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा जो मूर्ति है वो चीज़ देखने को मिलेगा। अरे वाह, तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आपको पूरा जो सेट है वो चीज़ देखने को मिलता है कई सारे उसमें। जैसे उधर पर देखिए तो वहाँ पे पूरा सेट मिलेगा आपको, जिसमें चार मूर्तियाँ जो सेट रहती है उसमें, और इसमें रहता है कि एक मूर्ति और शेर के साथ बस रहता है। तो बहुत सारा जगह है, तो ज़रूर विजिट करें। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको देखकर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किया तो उसमें भी फॉलो करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।